हाँ जी। हाँ भैया, मैंने आपका ओएलएक्स पे देखा था, आईफोन 6 दिया था आपने। अच्छा, हाँ तो ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो गाइस, दिस इज एमडी आकिब, वेलकम टू आकिब जोन। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज टॉपिक में बात करना चाहता हूँ, आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अगर फ़ोन्स की बात जहाँ तक आती है, क्योंकि फ़ोन्स की अगर बात आती है तो फ़ोन्स हम हमेशा लेते हैं क्लोन्स या नया, तो हम हमेशा एक सहारा लेते हैं, वो है इंडिया में ऐप ओएलएक्स का। जी हाँ, और मैं खुद प्रीफर किया था, और इस वीडियो को मैं बनाने का पहला मकसद ये है कि मैं खुद ही आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई फ़ोन लेना है तो आप हमेशा ओएलएक्स से लो। तो इस चक्कर पे एक वीडियो बहुत ही ज़रूरी है बनाना, अगर नहीं मैं अगर बनाता तो आई थिंक आप लोग मुझे रेस्पॉन्सिबल दोगे अगर कल को कुछ होता है, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आप लोगों को रिसेंटली बताया था हाउ टू बाय आईफोन 10 क्लोन यू नो फ्रॉम इंडिया, आप ओएलएक्स से ले सकते हो सारा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो और ओएलएक्स से खरीद रहे हो तो आप लोगों को एक चीज़ नॉलेज होना भी चाहिए, और नहीं भी हो अगर आपको पता भी हो तो मेरे को वीडियो ये बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक ये मैसेज आप लोग अगर देख रहे हो तो आप लोग शेयर भी करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। क्या पता अगर आपको पता है तो शायद किसी और को ना पता हो। आप लोगों को पता होगा ओएलएक्स एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा अच्छा डील कर सकते हैं। मैं खुद ओएलएक्स इंस्टॉल करके रखा हूँ, मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल है, एंड यू नो मैं खुद ही ओएलएक्स का इस तरह से मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बट इसे हम मैरिड यूज़ करते हैं, मतलब है ना, मतलब अगर सही लेते हैं, अगर हम बेच रहे हैं कोई चीज़ या खरीद रहे हैं, बट इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो इसकी गलत फ़ायदा उठाते हैं, और गलत फ़ायदा उठा के एक तरह से आप बोल सकते हो क्राइम कर सकते हैं, क्राइम ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। क्राइम क्या हो रहा है, आप अगर ओएलएक्स आप चला रहे हो, आप लोगों को शायद ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो आई थिंक आगे चल के होगा, अगर होगा तो आप लोगों के पास एक यू नो एक होगा कि हाँ आकिब भाई ने एक वीडियो बनाया था, उस तरफ से आपको पता चला। तो ओएलएक्स इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को कोई फ़ोन अगर पसंद आता है तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इस यहाँ पे मैं स्क्रीन में आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसा सीन आ रहा है। तो देखिए, आप मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर मैं अभी ओएलएक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे अगर ओएलएक्स, और मैं कॉल करके भी आप लोग से बात करके दिखाना चाहता हूँ कि वो इंसान सही में कैसा है और क्या बात करता है, कि आप लोगों को फ्रॉड में कैसा फ्रॉड आता है। तो मैं ऑलरेडी एक बात कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा। तो नंबर मैं इसलिए ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को नंबर मैं एक्सपोज करूँ, क्योंकि मेरा मैसेज है आप तक को मैसेज पहुँचाना, ना ही वो इंसान को यू नो मतलब एक तरह से देखा जाए कि मतलब उसको, तो नंबर आई थिंक इसलिए मैं ब्लर कर रहा हूँ। एंड जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैं कॉल लगा के दिखा रहा हूँ इस इंसान को, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आपको सुनाने के लिए, कॉल रिकॉर्डिंग में सुनते हैं इंसान वो क्या बोलते हैं। भैया हेलो। हेलो हाँ जी। हाँ भैया, मैंने आपका ओएलएक्स पे देखा था, आईफोन 6 दिया था आपने। अच्छा, हाँ तो ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं फिलहाल तो आउट ऑफ स्टेट हूँ। अच्छा, तो आप कब आओगे? सर आने में टाइम लगेगा, इधर मैं ड्यूटी पर हूँ आर्मी से। अच्छा, आप आर्मी से, तो आप मतलब कहाँ पे, मतलब आप फिर आओगे कब? सर आने में टाइम लगेगा, मैं अभी आया हूँ, और मैं मोबाइल लेना हो तो मैं आपके लिए मोबाइल मिल जाएगा। अच्छा, फिर कैसे मिलेगा? सर आर्मी पोस्ट हूँ सर, आपके लिए दिल्ली में करा दूंगा मैं बाई पोस्ट आप करवा दीजिएगा। तो उसमें कैसे कैसे मतलब बाई पोस्ट मतलब कैसे, मैं समझा नहीं, थोड़ा समझाओगे? इधर हमारे काफी प्रोडक्ट जाते हैं आर्मी के जो फोर्समैन बंदे हैं उनके प्रोडक्ट आते जाते हैं आर्मी के, आर्मी का खुद कॉस्ट्यूम होता है अपना आर्मी कॉस्ट्यूम। हाँ उधर से उसके जरिए आपके लिए मोबाइल होम डिलीवरी मिल जाएगा, मतलब होम डिलीवरी मेरे को मिल जाएगा मोबाइल। हाँ तो फोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नो प्रॉब्लम, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये आपका, इस पर मैं आपके लिए उसका बिल वगैरह सारा ऑल एक्सेसरी डाल देता हूँ आपके लिए। अच्छा, तो फिर पैसे कैसे देना होगा, अगर देना होगा मतलब क्या, मतलब आने के बाद फोन दूंगा या कैसे? सर इधर पैसे हमें नहीं, जो आपके लिए पोस्ट रूम से कराएंगे उधर हाफ पेमेंट करना पड़ेगा पोस्ट रूम में, बाकी आपको डिलीवरी मिल जाए तब करा देना। अच्छा, तो मतलब पेमेंट पहले आधा होना पड़ेगा अगर जब आप मोबाइल अगर भेजोगे जहाँ पे पोस्ट में है ना? हाँ उधर ही पोस्ट रूम में कराना, उधर से फिर रिसिप्ट निकलेगा उधर को मैं आप व्हाट्सएप कर दूंगा। तो पेटीएम करना पड़ेगा ना मुझे? हाँ पेटीएम कर देना, पेटीएम यूज कर देखो तो। ओके, उसके बाद बाकी मोबाइल मिलने के बाद में कर दूंगा है ना? हाँ तो
कुछ देखो भाई मैं इतने दूर से ले रहा हूँ, कुछ तो आइडेंटिटी चाहिए ना अगर मैं भेजूंगा आपको, मतलब आइडेंटिटी के तौर पर कुछ तो आप भेजोगे, मतलब अपना आपको कौन, मतलब पता कैसे चलेगा? सर मैं अपनी आईडी प्रूफ डाल दूंगा आपके लिए, जो भी मेरा आईडी है, मतलब इंडियन आईडी है, मतलब आईडी वाला आपका है, अपना ही दोगे ना? हाँ अपनी आईडी दूंगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? जय किशन। जय किशन, ओके ठीक है, मैं आपको अगर जब लेना होगा तो इसमें आपको नंबर मैसेज करता हूँ। और भैया प्राइस क्या होगा थोड़ा बता दो फाइनल, मतलब कितना क्या होगा? आपने डाला था 14 सर, देख मैं 15,000 में डाला हुआ है, उससे देख 1,500 कम कर लेंगे, आपके लिए 14,000 में लग जाएगा। 14,000 तो भैया बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास 13,000 तक होगा। 13,000? हाँ जी। क्या काम करते हो ब्रो? मैं ब्रो स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, फिर मैं पेमेंट कैसे करूँ अभी जब करना चाहूंगा? अगर जब भैया फोन कितने दिन में मिल जाएगा फिर भी? फोन आपके लिए मैं इधर से पोस्ट करूंगा, आपके लिए 24 आवर्स में आपके पास डिलीवरी मिल जाएगी, 24 घंटे के अंदर अंदर। 24 घंटे के अंदर? हाँ, इधर से हमारा जो ये वैसे नहीं है कि ये खुद आर्मी पोस्ट रूम है, इधर से हमारा बटालियन का बंदा जाएगा। ओके ओके, तो 24 घंटे के अंदर मेरे पास फोन आ जाएगा तो? हाँ। और भैया फोन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, ऐसा कि फिर मैं फोन ले लूँ फिर प्रॉब्लम वॉब्लम निकला तो फिर कैसे क्या करूंगा? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, शोरूम कंडीशन है, आप नंबर पे मैं आप व्हाट्सएप पे आप हाई करो, मैं आपके लिए फोटो वगैरह और उसका बिल वगैरह सारा चीज डाल देता हूँ। ठीक है फिर, मतलब ऐसा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको पेमेंट करूंगा तभी आप भेजोगे फोन, है ना? सर पेमेंट मेरे लिए नहीं, वो पोस्ट रूम में होगा, वो मेरे लिए नहीं, बाकी वो पोस्ट रूम से तब मिलेगा जब आप अपने डिलीवरी से कंफर्म हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद मुझे मिलेगा, तब आप कह देंगे हाँ मेरा मोबाइल प्रोडक्ट अच्छा है आपका, नो प्रॉब्लम, बाकी जब तब मिलेगा, हमें नहीं मिलता है। ओके ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, ये इस पर व्हाट्सएप नंबर, इस पर हाई हेलो कर देंगे, मैं कर दूंगा मैसेज आपको। ठीक है, ओके ओके, मैं उसका डाल दूंगा। तो देखा दोस्तों, मतलब मैं एक छोटा सा मैसेज में बहुत बड़ी बात बताना आप लोगों को चाहता हूँ। इसी तरह से लोग को फूल बनाते हैं और बहुत ही अच्छा खासा बनाते हैं, जैसे कि आप देख लो गाइज, मैं अगर आपको बताता हूँ, आप मेरे जगह पर रहते ये चीज़ तो मुझे पता है कि ये जो है एकदम फ्रॉड कॉल था। मैं इसलिए इनका नाम नहीं बता रहा हूँ या नंबर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कर रहे हैं अपना, इनको शायद आगे चल के इनको जब अगर बहुत बुरी बात ये है कि इस चीज़ बहुत ज़्यादा तरह से फैल रहा है और इसको देखने वाला या फिर कोई हैंडल करने वाला कोई नहीं है, ना ही पुलिस की तरफ से या फिर कोई है इंसान जो इस चीज़ पे आए, और बहुत ही बुरी बात है कि इंडियन आर्मी की सहारा ले जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने कॉल किया, उनसे बात किया तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ और मैं फ़ोन आपको पार्सल कर सकता हूँ, कोरियर कर सकता हूँ, ताकि आप फ़ोन आपको मिल जाए, मेरे को प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी बोलने में। और बहुत ही बुरी बात ये है कि उन लोग के पास आइडेंटिटी कार्ड भी है यार, इंडियन आर्मी की, हो सके शायद किसी की उन्होंने चुरा ली हो या फिर किसी ने दे रखी हो, जैसे कि नबील भाई ने भी कहा था और मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो एक तरह से यार अपने इंडियन आर्मी को बदनाम कर रहे हैं इन लोग और उसके हिसाब से पैसे कमा रहे हैं बहुत ही बुरी तरह से। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को, अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो समझ जाओ, आप लोग अगर आगे चल के इस वीडियो में अगर आप लोगों को OLX पे ऐसा वाला कहीं भी मिलता तो आप लोगों को नहीं लेना है। यस गाइज, आप लोग अगर समझ रहे हो तो अगर इसको आगे बढ़ाओ, वीडियो को बहुत जन को दिखाओ, क्योंकि अगर इस वीडियो में ऐसे ही आगे नहा बढ़ता रहा, अगर लोगों नहीं जानते रहे तो शायद आई थिंक पैसे ही बड़ी बात नहीं है। और इन लोग ऐसे हैं कि 1,000-2,000 से ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लेते आपको, जैसे कि आपने को देखा उन्होंने कहा पेटीएम करने, तो अभी मैं अगर पेटीएम करता हूँ तो उन लोग ने मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये लेंगे, और 1,000 के बाद वो झूठ मूठ का एक दिन के बाद बोलेंगे कि हाँ भाई हमारा कुरियर आपका पहुँच गया, हमने ट्रैक कर लिया है और आप लोगों को आधा पेमेंट देना है। तो आपको फिर आधा पेमेंट देने के बाद फिर बोलेंगे कि हम लोगों को और बाकी जो आप बाद में देना, तो आप फिर आधा अमाउंट दे दोगे 1,000-2,000, तो 2,000 यहाँ पे आप दे दोगे 3,000 हो जाएगा, बस उतना ही काफ़ी है उन लोगों के लिए। फिर आप लोगों को ब्लॉक करना है और ब्लॉक करते ही आप लोग कुछ नहीं कर सकते मेरे ख्याल से इस दुनिया में, इस इंडिया में खास करके। 2,000 अगर आपका जाता है, ना ही आप जाओगे पुलिस के पास कोई केस करने, ना ही आप सोचोगे कि यार मतलब मुझे इस इंसान को मतलब पर पनिशमेंट देना है, मैं कुछ कर लूँगा, आप यही सोचोगे यार हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैंने मतलब बेवकूफ़ बन गया, मेरा इसने बेवकूफ़ बना दिया और मेरा 1,000-2,000 चला गया तो जाने दो। बट ये चीज़ आप सोचो, अगर 1,000-2,000 5,000 इंसान के पास से अगर जाता है तो ये कितना अमाउंट बनता है।
तो ये बहुत बड़ी बड़ी गैंग है और ये डे बाय डे ग्रो कर रही है। आप लोगों को हमेशा इससे सतर्क रहना है, हमेशा आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। और आगे चल के अगर आप लोग को ऐसे फेस करो, कहीं भी आप अगर OLX पे आईफोन देखते हो, खास करके आईफोन पे इन लोग टारगेट बनाते हैं, क्योंकि आईफोन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिकता है और इन लोग क्या करते हैं, इन लोग कम प्राइस में बेचते हैं। और कम प्राइस मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा 6S प्लस जो आप लोगों को बेच रहे हैं उन लोग 15,000 में, तो ये देख सकते हो जैसे कि मतलब इतने कम प्राइस में आप लोग बोलोगे यार कम प्राइस है और हम लोग को लेना है, और आप लोग लेते ही आप लोगों को मिल जाएगा धोखा। तो इस वीडियो को सही में मैं अगर बढ़ाना चाहूँ और भी बढ़ा सकता हूँ, बट यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग समझदार हो इस सब चीज़ में, आप फ्रॉड में नहीं पड़ोगे, मुझे यकीन है। अगर आप पढ़ते भी हो तो आगे चल के, अगर आप पढ़ चुके हो तो आगे चल के इस सब चीज़ में ना पढ़ो, मतलब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों को, अपने जितने भी रिलेटिव हैं अगर जो भी यूज़र हैं OLX के। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो इस काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। टिल देन दिस इज MB Akib साइनिंग आउट। बाय बाय।